बेसिकली इस चैनल पर मैं बॉलीवुड की न्यूज़ बहुत ही कम डालता हूँ, बहुत ही कम बनाता हूँ। कोई हाई लेवल की न्यूज़ होती है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ बॉलीवुड पर। कल से मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि भाई रणवीर और दीपिका जो करण जौहर के शो के अंदर गए थे गेस्ट बनकर कॉफ़ी विद करण सीजन 8 के अंदर, वहाँ पर दीपिका ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी हो गई और दीपिका को भर भर कर हेट मिल रहा है। दीपिका पादुकोण को क्यों गालियाँ दे रहे हैं लोग, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि रणवीर कपूर को उन्होंने धोखा दिया है। दोस्तों इसके बारे में पूरी जाँच पड़ताल की तो पता चला कि कॉफ़ी विद करण जो शो है सीजन 8 स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर गेस्ट बनकर गए थे रणवीर और दीपिका पादुकोण, जहां पर बहुत सारी बातें की, करण जौहर ने बहुत सारे सवाल पूछे दीपिका पादुकोण से और रणवीर से, जहां पर एक बार एक मोमेंट ऐसा आया जहां पर दीपिका ने बताया कि वह रणवीर के साथ में कमिटमेंट में नहीं थी, उनका रिलेशनशिप था वह ऐसे नॉर्मल ही था। हालाँकि रणवीर उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे लेकिन दीपिका उस समय रणवीर से ओनली फॉर एक रोमांटिक के मूड में थी, ओनली सीरियस नहीं थी उनके रिलेशन को लेकर। साथ में दीपिका ने बोला कि वह रणवीर के अलावा 3 अलग लोगों को भी डेट कर रही थी। हालांकि इससे पहले दीपिका ने बताया कि वह पहले रिलेशनशिप के पंगे में फंस चुकी थी, वह सिंगल रहना चाहती थी लेकिन जब से रणवीर उनकी लाइफ में आए तो वह उनको लेकर कमिटमेंट में नहीं थी, उतनी सीरियस भी नहीं थी क्योंकि उनके अलावा भी वह 3 अलग लोगों को डेट कर रही थी। हालांकि दीपिका ने उनका नाम नहीं बताया। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रणवीर के साथ में दीपिका पादुकोण ने धोखा किया है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपको पता है ये बॉलीवुड है, यहाँ तो ऐसा चलता रहता है, कब कौन सी हीरोइन कौन सी एक्ट्रेस किस एक्टर के साथ में रिलेशन में आ जाए कोई पता नहीं रहता है, ये बॉलीवुड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब उनके जो चाहने वाले हैं दीपिका के और रणवीर के जो फैंस थे उनको ये बात पता चली तो दीपिका को भर भर के हेट मिलने लगा। उन्होंने बोला, लोग कह रहे हैं कि दीपिका ने मतलब कि रणवीर का लाइफ का मजाक बना दिया है। हालांकि दीपिका और रणवीर की शादी को कई साल हो चुके हैं, अब ये बात दीपिका ने बताई है दो जिसकी वजह से दीपिका को हेट मिलने लगा है। वैसे आपने क्या ये एपिसोड देखा, करण जौहर का ये शो है कॉफ़ी विद करण, जिसके अंदर गेस्ट बनकर गए थे दीपिका पादुकोण और रणवीर। इसके अंदर शो के अंदर मैं छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्या बोला, देखिए आप खुद देखिए। आपने ये क्लिप देखी, दीपिका रणवीर के लिए बोल रही है, जब उनका रिलेशनशिप था तो वह उनके लिए कमिटमेंट में नहीं थी, वह बिल्कुल फ्री होकर सीरियस नहीं थी इस रिलेशन को लेकर। हालांकि वह उनको पता था कि रणवीर उनसे प्यार करते हैं, वह भी रणवीर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन उनके अलावा वे 3 अलग लोगों के साथ में डेट कर रही थी और बाद में दीपिका को रणवीर से प्यार हो गया, उन्होंने शादी की सोची। दोस्तों ये इतनी सी बात थी, इसकी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दीपिका को हेट मिल रहा है इसकी वजह से। वैसे क्या आपने ये एपिसोड देखा, कि आप भी रणवीर और दीपिका के फैन हैं, कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।